सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी अते नोटिफिकेशंस वास्ते बेल नूं रिंग करो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे तुसीं सब बाखूबी जानते हो कि रिफरेंडम 2020 दे समर्थक खालिस्तान बनाने की वाह विदेशां विच बैठ के लाई जा रहे ने अते आए दिन उन्हां दी कोई ना कोई वीडियो अजिही जरूर रिलीज हुंदी है जिस दे विच उह अपनियां तरकीबां आने वाले समय दे विच उह रिफरेंडम दी मुहिम नूं किद्दां अगे तोरनगे इह दसदे होए नजर आंदे ने अते नाल ही भारत दीआं सरकारां नूं वी निशाने ते लैंदे होए नजर आंदे ने। पर हाल ही दे विच इक वीडियो सामने आई है जिस दे विच उह पाकिस्तान दे जनरल बाजवा नूं सलाह देंदे होए नजर आ रहे ने कि जेकर खालिस्तान बणदा है तां उह पाकिस्तान दे मोढे नाल मोढा ला के कश्मीर नूं आजाद करवाणगे ते कश्मीर दा हल बंगलादेश दी ली ते कढ़िया जावेगा। आखिर की कुछ कहा इन्हां ने तुसीं आप सुन लवो। हिंदुस्तान दी हकूमत कर रही है जदों तक सारी दुनिया दे विच इन्हां दा खूनी ते दहशतगर्द चेहरा नंगा नहीं होएगा। असी अपने घरां दे विच चैन नाल नहीं बैठांगे। सिख कम्यूनिटी वालों यह बेनती मैं बार बार करता हां कि कश्मीर दे मोढे दे नाल मोढा ला के असी कश्मीर दे नाल लड़ाई लड़ांगे ते कश्मीर नूं आजाद करावांगे। हिंदुस्तान की हकूमत यह गल सुनेगी और मैं उस हकूमत नूं यह गल दसना चाहता हां मेरे सारे वीर इत्थे कुछ ना कुछ बोल के गए है कि हुकूमत ने कश्मीर दे विच जो कीता उदे बारे शेयर बोले, पर मैं हिंदुस्तान दी हुकूमत नू एक चैलेंज देन जा रहा हां। याद रखियो कि दिल्लीए कश्मीर ते पंजाब दी हक ते तू बहुत दीवे वाले साड़ी हक ते तू बहुत दीवे बाले ते तू अपना समा कढ़िया लहर बन के याद रखी दिलिए असी चढ़ांगे तेरे ते कहर बन के असी अज कश्मीर ते पंजाब दी आजादी दा हल किदां लेना है ते किदां कढ़ना है यह गल करन लई कठे हुए हैं। कश्मीर दे आवाम नू ए दसन लई कठे हुए हैं कि असी उन्हां दे नाल खड़े हैं ते उन्हां दी आजादी तक उन्हां दे नाल खड़े रहांगे। सल्यूशन दी गल मेरे सारे वीरां ने कीती कि सल्यूशन की है। 70 साल तो कश्मीर दी हिक दे उते जिन्ना कश्मीरियां दा लहू उस दहशतगर्द हकूमत ने बहाया उस सारी दुनिया तक पैगाम पहुंचाओ रोज के हिंदुस्तान जो अपने आप ने एक डेमोक्रेसी कहता है उसका असली चेहरा है कि उन्हें असल च थोड़ी सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी दी या पंजाबी कम्युनिटी का जेनोसाइड नहीं किया। हरेक उस मैनोरिटी का जेनोसाइड किया हिंदुस्तान दे विच जेड़ी बाहर दे देशां च नहीं भी हैगी गई। सो असी हरेक मैनोरिटी दे नाल मोढे दे नाल मोढा लाके खड़े हां ते उन्हां नूं आजाद करवाउण तक उन्हां दे नाल रहांगे। असी मजलूम नहीं हिंदुस्तान नू मजलूम बनावांगे। याद रखियो हिंदुस्तान इस भुलेखे च ना रहे कि इन्ना जुल्म करके उह सानू दबा लेगा। मैनू तां सिर्फ एक गल दी शर्म आ असी किस कौम दे गुलाम बने बैठे हां जेड़ी कौम अपने घर दीआं धीआं भैणां नहीं सी बचा सकदी। जिस कौम ने अपनियां धीआं भैणां आप तोरियां के लै जाओ पर सानू बख्श दिओ। मैनू शर्म इस चीज दी नहीं कि उन्होंने साडे ते
कब्जा किया हो। मैं शर्मिया कि कौम ने किया हो। सो इन्हों जवाब इन्हों के लफजा च देंदे रहांगे। मैं हर एक उस कश्मीरी दे नाल जेड़ा मैदाने जंग दे विच जूझदा आ मैं उहदा भरा बन के उहदे नाल खड़ा आ। एक गल मैं होर तुसी मैं थोड़ा जिहा समा लै रहा तुहाडे तों वेरी सॉरी। मैं एक गल जिहड़ी तुसी गल कीती है कि इहदा हल की है। हिंदुस्तान दी हकूमत ने ह्यूमन राइट्स का नाम वरत के 1971 दे विच पाकिस्तान दे विच इंटरफेरेंस कीती सी। इहदा हल मैं जनरल बाजवा जी नूं भी बेनती करदा हां। जनरल बाजवा जी सदर जिहड़े पाकिस्तान दे सदर आ इमरान खान जी उहनां नूं भी मैं इह बेनती करदा हां कि इहदा जिहड़ा सल्यूशन है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅਵੇਰੀਅਰਸ। ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ बार बार बेनती करदा हां कि दुनिया दे विच डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल जे लड़ाई लड़ी जा सकती है उस नूं लड़ो। ह्यूमन राइट्स दे बेसिस ते इंटरनेशनल कानूनां दे बिहाफ ते असी 2020 रेफरेंडम दी मुहिम चलाउंदे हां। कश्मीर दे कोल प्लेबिसाइट दा राइट हैगा। वी नीड टू एक्ट। जनरल बाजवा नीड टू एक्ट। इमरान खान नीड टू एक्ट। कश्मीर जो एक बहुत ते सोहना देश है, मैं उन्हें देश ही कहांगा कि वह हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बेसिकली वह एक देश ही है। सो इस देश नूं तुसी अज इत्थों मानता देके जाओ कि वह साडा देश है, रेकोगनाइज करो अज कि वह साडा देश है। उन्हां नूं हिंदुस्तान की रेकोगनाइजेशन की लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ प्यारे। भारत दे विच वसण वाली आवाम भारत दे बशिंदे इह कदी वी नहीं चाहुंदे कि जो सन 47 दे विच वापरिया ओह एक वार मुड़ वापरे, मुड़ भारत दे इक होर वड्डे हिस्से ते लकीरां खिंचियां जाण। पर सूबे दीआं सरकारां नूं चाहीदा है, समें दीआं सरकारां नूं चाहीदा है ओह मंगां जो वक्खवादी विचारधारा वाले सामने रखदे ने, ओह हक जो सिख कौम दे बणदे ने ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸਕ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
व्यक्त कर सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशंस वास्ते बेल नूं रिंग करो।